हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और शिक्षक बहाली के मुद्दे पर लगातार जिस प्रकार से शिक्षा विभाग और BPSC काम कर रही है, इस बात को प्रमाणित करती है कि सरकार के तरफ से जितनी भी योजनाएं और शिक्षक बहाली के नाम पर जो चीज़ें हो रही है, खासकर पूरक परिणाम सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जिस तरह की चीज़ें BPSC द्वारा की जा रही है, क्या वह सही है? क्या सरकार के संज्ञान में इस तरह के मामले नहीं आने चाहिए? और शिक्षा विभाग से जिस तरह की चीज़ें हुई, शिक्षा विभाग ने पहले 3 जनवरी के दिन नोटिस भेजा कि लगभग 14,700 पदों पर पूरक परिणाम, खासकर TRE 2 में यानी सेकेंड फेज की बहाली में पूरक परिणाम जारी होने की चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो गए थे कि पूरक परिणाम जारी होंगे, और इस बात के लिए लगभग 15-20 दिन इंतजार किया गया, और तब जाकर शिक्षा विभाग ने अपने चिट्ठी के माध्यम से वापस लिया कि पूरक परिणाम जारी नहीं होंगे। और उसके बाद लगातार जो छात्र अभ्यर्थी है, शिक्षक है, जो जिन्होंने परीक्षा दी है, उसके मन में एक उपापो की स्थिति अभी भी बरकरार है कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। तो कल SC ST यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वेलफेयर के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा जो शिक्षक बहाली निकाली गई थी, उसके पूरक परिणाम जारी हुए हैं। तो क्या इस तरह के ग्रीवांसेस जो बताए जा रहे थे ग्रीवांस सेल में, BPSC द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था कि जिन लोगों का ग्रीवांस सेल में इस तरह की चीज़ें हैं, कोई आपत्ति है खासकर मिनिमम कट ऑफ को लेकर या कोई ऐसा चीज़, तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट अपलोड कराने की बातें की जा रही थी और डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ भी। तो सारी चीज़ें अब बिल्कुल इस बात को प्रमाणित करती है कि क्या BPSC द्वारा और शिक्षा विभाग द्वारा जो घालमेल किया जा रहा है, और घालमेल कहने के संदर्भ में कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जैसा साथियों आपको पता है कि TRE 1 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर लगातार घमासान मचा था, चाहे वो गदरीबाग धरना स्थल से हमारे शिक्षक साथी हम लोग बैठे थे, उसके बाद BPSC का भी घेराव किए, शिक्षा विभाग भी गए, लेकिन सुनने के लिए कोई भी न विधानसभा के अध्यक्ष, न प्रतिपक्ष के नेता, न सत्ताधारी दल के नेता, न विरोधी दल के नेता, किसी भी राजनीतिक दल के नेता को इससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ बयानबाजी करना इस बात को प्रमाणित करती है कि हमको शिक्षकों का वोट चाहिए, हमको आपसे बहुत सहानुभूति है, और गोल मटोल बात करके शिक्षक अभ्यर्थियों के बातों को गुमराह किया गया। और वही लोग जो लोग पहले विरोधी दल के नेता थे, जैसा कि सबको पता है कि विरोधी दल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों के विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी और श्री विजय सिन्हा जी आज बिहार के मुख्य उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो उप मुख्यमंत्री कहने का मतलब है कि बिहार में अभी NDA की सरकार है। तो क्या शिक्षक अभ्यर्थियों के पूरक परिणाम के लिए जो माननीय उप मुख्यमंत्री पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी का बयान आप अगर आप देखेंगे, उन्हें स्पष्ट कहा था कि 40,000 पदों पर पूरक परिणाम जारी होने चाहिए, और जिलों से जो फर्जीवाड़ा का डाटा है, वो डाटा आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो कई जिलों से अभी भी कई जिलों की सूची आई है कि शिक्षक अभ्यर्थी फरार चल रहे हैं, कहीं इतने गलत प्रमाण पत्र के आधार पर जो नियुक्त हो गए हैं उनको बाहर किया जा रहा है, CTET फेल, ST फेल, स्नातक के कई फर्जी डिग्री, डोमिसाइल की डिग्री फर्जी, दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी। तो इन सब के आधार पर एक बात स्पष्ट हो गया है कि जिलों से जो सूची भेजी गई थी शिक्षा विभाग को, वो मल्टीपल रिजल्ट के लिए यानी एक से ज़्यादा पदों पर अगर किन्हीं का रिजल्ट TGT में आ गया है, किन्हीं का PGT में, TGT यानी 1-5 से लेकर 11-12 पर किसी का रिजल्ट आता है तो ज्वाइन तो करेगा एक ही जगह वो, तो जो पद खाली रह गए खासकर मल्टीपल रिजल्ट को लेकर जो पद खाली हैं, सभी पर पूरक परिणाम आने के लिए सरकार के तरफ से शिक्षा विभाग को सूची भेजी गई। तो शिक्षा विभाग ने वही सूची BPSC को भेजी गई कि 14,000 लगभग 700 पदों पर पूरक परिणाम जारी होने चाहिए। परंतु जिस तरह के जो चिट्ठी जो निकला, परसों एक चिट्ठी निकला शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा के निदेशक के तरफ से कि कोई भी अगर आंदोलन, पूरक परिणाम किसी भी हाल में अब जारी नहीं होगा, परंतु कोई भी अगर आंदोलन करते हैं चाहे शिक्षक अभ्यर्थी, तो उनको चिन्हित किया जाएगा। जैसा कि साथियों पता है कि हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पहले भाजपा के जो प्रदेश कार्यालय वहाँ पर, JDU कार्यालय भी गए, RJD कार्यालय भी गए, और सब जगह से उनको मारपीट कर भगाया गया, फर्जी FIR की धमकी दी गई, पुलिस बल प्रमुख द्वारा इनको वहाँ से भगाया गया। तो क्या शिक्षक अभ्यर्थियों की वो मांग बिल्कुल जायज नहीं है? क्या सरकार के तरफ से जो बातें विरोधी दल के नेता के तौर पर या विपक्ष के नेता के तौर पर आप बोलते थे, और आज सत्ता में आने पर वही चीज़ आपका मौन पर धारण हो गया है? तो सभी चीज़ों पर इतना जरूर है कि सरकार की तरफ से जो भी लेट लतीफी हो रही है, उसका खामियाजा निश्चित रूप से NDA की जो सरकार है और जो अभी वर्तमान में काम कर रही है, सभी पर कहीं ना कहीं उठाने की जरूरत है। तो हम इस बात की पुष्टि करते हैं और निश्चित रूप से सरकार के तरफ से जितने भी संज्ञान शिक्षक बहाली के नाम पर नहीं लिया जा रहा है और लगातार शिक्षकों को गुमराह किया जा रहा है, इस बात को पुष्टि करती है इस चिट्ठी से कि आने वाले समय में शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हमारी जायज़ है और इसको हम किसी भी हाल में लेकर रहेंगे। जैसे कि साथियों पता है कि TRE 1 में दर्जनों याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में दायर हो चुकी है, इसलिए TRE 2 में भी SC ST वेलफेयर का अगर रिजल्ट आया है,
तो सभी पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और लगातार सरकार से गुहार कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि तुगलकी फरमान जारी करने से कोई भी समस्या का हल नहीं हो जाता, यहाँ तक कि समस्याएं बढ़ती भी है। इसलिए सभी पदों पर पूरक परिणाम जल्द से जल्द जारी हो। धन्यवाद।